स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कहा कि वैक्सीन ट्रायल के बाद परिणाम सार्थक होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं तब तक सावधानी जरूर बरतें। प्रभुराम चौधरी ने कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कोवैक्सीन का अभी ट्रायल होगा, उम्मीद है कि परिणाम सार्थक निकलेंगे। उन्होंने कहा, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक हमें हर स्तर पर सावधानी बरतनी होगी। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का सबको खास ख्याल रखना होगा। कोवैक्सीन का ट्रायल निजी अस्पताल में कराए जाने पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनी ट्रायल कर रही हैं, जहां उनको ठीक लगता है वे वहां ट्रायल करते हैं। जो हमारी भारत की कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने में काम कर रही हैं, वो ट्रायल अभी कर रही हैं, और जैसी वैक्सीन आएगी वो सब आपको, सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अभी तो ट्रायल चल रही है, अभी तो वैक्सीन आने की हमारी जो संभावना है, जो कंपनियां हैं देश की हमारी, वो जो बायोटेक हमारे हैदराबाद वाली जो भारत बायोटेक कंपनी, उसके भी ट्रायल चल रहा है, दूसरी और कंपनियां भी ट्रायल कर रही हैं, और जैसा ही वैक्सीन आएगी। लेकिन आज हम लोग सिर्फ वैक्सीन आएगी उसके भरोसे ही नहीं बैठ सकते, हम सब लोगों को आज भी आवश्यकता है कि हम सब लोग जनता को जागरूक भी करें और मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि हम कोरोना संक्रमण को और रोक सकें। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।